इन अदाकारा को तो आप पहचानते ही होंगे। इन्हें आपने कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में कई बड़े बड़े किरदारों को निभाते देखा होगा। इनका नाम है शगुफ्ता अली, जो इन दिनों बेहद ही आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। आज शगुफ्ता अली के पास काम ना होने से उन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि पैसों की तंगी के कारण वो अपना इलाज भी नहीं करवा पा रही। जिन स्पॉट पॉइंट से खास बातचीत में अपने हालात के बारे में शगुफ्ता जी ने खुलासा किया कि वो पिछले 20 सालों से बीमार हैं, लेकिन उस समय ये मामूली सा था जिसे वो संभाल सकती थी। दरअसल उन्हें कैंसर था, 3rd स्टेज का। उन्होंने बताया कि पहली बार वो इस बारे में मीडिया में बात कर रही हैं। किसी को नहीं पता था कि वो इस दौर से गुजर रही हैं, सिवाय इंडस्ट्री के बहुत कम लोगों को छोड़कर जो उनके करीबी दोस्त थे। ये वो समय था जब उनके हाथ में बहुत सारा काम था। उन्हें ब्रेस्ट कैंसर था और ये 3rd स्टेज का था। उन्हें उस गांठ को हटाने के लिए बड़ी सर्जरी से भी गुजरना पड़ा। शगुफ्ता ने अपनी हेल्थ के बारे में आगे बताया कि उन्होंने कीमोथेरेपी ली, जो हर बार एक नया जन्म पाने जैसा था, लेकिन वो अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति इतनी समर्पित थी कि उनकी सर्जरी के 17वें दिन वो अपने शो की शूटिंग के लिए दुबई चली गई। शूटिंग के दौरान उनके साथ कुछ दुर्घटनाएं हुई। दरअसल उनके पैर में बहुत चोट लगी थी। जब वो अपने पिता को देखने जा रही थी तो एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी हड्डी 2 टुकड़ों में टूट गई थी, जिसके बाद उन्हें अपने हाथ में एक स्टील की रॉड भी डलवानी पड़ी। शगुफ्ता अपने हालात के बारे में आगे कहती हैं कि पिछले 4 साल से उन पर जिंदगी बहुत कठोर हो गई है। उन्हें 6 साल पहले डायबिटीज का पता चला था और तब से वो कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य की स्थिति खराब हो गई है। डायबिटीज ने उनके पैरों को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। उनके पैर सुन्न हैं और बीच बीच में उसमें दर्दनाक दर्द भी होता है। तनाव के स्तर के कारण उनका शुगर लेवल बढ़ गया है और अब इसका असर उनकी आंखों पर भी पड़ रहा है और इसीलिए उन्हें इलाज करवाना होगा। वहीं शगुफ्ता ने आगे बताया कि पिछले 4 साल से उनके पास कई सारे ऐसे ऑफर आए जो हाथ लगते लगते रह गए। शगुफ्ता इस बारे में कहती हैं, मैंने इस बीच सिर्फ एक फिल्म की, वो भी पूरी नहीं हो सकी। पिछली बार मैं पूर्ण रूप से जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा रही थी वो था साथ निभाना साथिया। इसकी शूटिंग 10-11 महीने चली थी। मई में काम करते हुए इंडस्ट्री में मेरे 36 साल पूरे हो जाएंगे। मैंने 17 साल की उम्र में काम करना शुरू किया था। तब से लेकर अब तक ये 4 साल मेरे जीवन के सबसे खराब साल हैं। मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिली। बहुत लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं होगा कि मैं वित्तीय रूप से बहुत कमजोर हो गई हूँ, क्योंकि मैंने सर्वाइव करने के लिए अपनी सारी एसेट्स बेच दी हैं। शगुफ्ता आगे कहती हैं, मैंने अपनी कार बेच दी, ज्वेलरी बेच दी। मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो ऑटो रिक्शा से ट्रेवल करती हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में सेल्फ मेड पर्सन हूँ। जब मैंने यह कदम रखा था तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मैं इंडस्ट्री में आई, मैंने जो भी काम किया उसका मुझे पैसा मिला। मुझे अब जल्द से जल्द काम की तलाश है और पैसों की भी, ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं। मैं इस बात को लेकर बहुत दुविधा में थी कि मुझे मदद मांगनी चाहिए कि नहीं। मेरे पास बेचने के लिए अब कुछ भी नहीं है। मैंने लोगों से लोन लिया हुआ है जो मुझे चुकाना है। इसके अलावा मुझे मेरे घर की EMI भरनी है, दवाइयों का खर्चा है और भी बाकी खर्चे हैं। कोई बहाना सुनने वाला नहीं है, सभी को बस पैसे चाहिए। आपको बता दें कि शगुफ्ता के इस खुलासे के बाद कई जानी मानी हस्तियां उनकी मदद के लिए आगे भी आई हैं। आपको बता दें कि शगुफ्ता जी ने इंडस्ट्री को 36 साल दिए हैं और 15 से अधिक लोकप्रिय फिल्में और लगभग 20 से ज्यादा TV शोज में काम किया है, लेकिन आज वो पाई पाई को मोहताज हैं।